हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में हृदय के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले जो है परिवहन तंत्र चल रहा था, उसी का एक पार्ट है कि हमारे शरीर में रक्त का संचरण कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है। तो वो हृदय के माध्यम से ही तो हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये पंप का कार्य करता है, ये रुधिर को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य किसका होता है, हृदय का होता है। तो काफी रोचक जो है टॉपिक है ये ना, सभी को हृदय के बारे में काफी जानने की उत्सुकता होती है कि हृदय क्या है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हृदय क्या है, ये फीलिंग्स का भंडार है, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। कहता है दिल टूटा ये वो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। हृदय केवल एक मांस का बना हुआ एक टुकड़ा है, जिसका कार्य केवल इतना होता है कि संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करना, ठीक है, हृदय का मुख्यतः काम होता है। और हृदय का जो कुछ ऐसे फिगर हम लोग बनाते हैं वो बिल्कुल गलत है। हृदय का ऐसे फिगर नहीं बनता है, हृदय का फिगर ऐसे है क्योंकि ये जो है काल्पनिक फिगर है जो हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं, बनाते हैं और लोगों को भेजा करते हैं। ये काफ़ी काल्पनिक जो चित्र है, तो ऐसा नहीं होता है। आज हम लोग हृदय के बारे में बात करेंगे कि हृदय क्या है, केवल इसकी जो है बात संरचना के बारे में और हृदय के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सब लोगों को जानने की सबसे पहले उत्सुकता ये होगी हृदय का कलर कैसा होता है ना। लोग कोई कोई बोलता है कि तुम्हारा दिल काला है, नहीं, ये सब क्या है, झूठी बातें हैं। क्योंकि हृदय का जो रंग होता है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है ना। हृदय का रंग कैसा होगा, रंग जो है इसका कैसा होगा, रंग गुलाबी होगा, ठीक। तो अब आज हम लोग इस मंच इस चीज से बिल्कुल डाउट खत्म हो गया कि लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है, कुछ लोगों का हृदय काला होता है, तो ये डाउट खत्म होता है आज। क्योंकि हृदय का जो कलर है वो गुलाबी कलर होता है, ना कि काला होता है, और ना ही वैसा फिगर जो अभी हमने बनाया था, वो सब काल्पनिक बातें हैं। आज हकीकत पे आते हैं, तो हकीकत में जो है हृदय का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, ठीक है। और यह कैसा होता है, ये पेशियों का बना हुआ होता है, एक मांसल टुकड़ा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का पेशी शंकुआकार स्पंदनशील होता है। मतलब शंकुआकार का मतलब है हृदय क्या होता है, हृदय एक मांस का एक टुकड़ा होता है जो कि नीचे की तरफ कैसा होता है, शंकुआकार होता है। शंकुआकार का मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब किसी का बर्थडे अड्डे होता है तो हम लोग टोपी पहनते हैं, जो कैसी होती है, ऐसे होती है टोपी, ऐसे करके ऐसे टोपी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शंकुआकार। तो ठीक वैसे ही थोड़ा सा ही क्या होता है, नीचे की तरफ शंकुआकार होता है। तो आज हम लोगों को यह डाउट थोड़ा सा खत्म हुआ कि किसी का दिल काला है या कैसा भी है, तो जो हृदय का जो कलर है वो गुलाबी रंग का होता है। और हमें पता है कि ये क्या होता है, एक मांस का बना हुआ क्या है, एक टुकड़ा है ना। तो हृदय जो है, मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का पेशीय शंकुआकार स्पंदनशील होता है। स्पंदनशील का मतलब क्या होता है, हृदय क्या करता है, ये धड़कता रहता है, स्पंद करता रहता है ना। तो अच्छा, एक मिनट में किसी भी व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो एक मिनट में जो है किसी का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, 72 से 75
बाहर। अच्छा ये चीज जो है अगर आप सामान्य स्थिति में हो, ठीक है, अगर आप कैसी स्थिति में हो, एक सामान्य स्थिति में हो, तब की क्या है ये स्पंदन दर है, तब की ये क्या है स्पंदन दर है आप लोगों की, ठीक है। यदि आप क्या करते हो किसी भी अगर क्रियाकलाप, अगर आप कोई क्रियाकलाप करते हो तो आपकी स्पंदन दर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्रियाकलाप का मतलब ये हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप खेल रहे हो, ठीक है, या आप कूद रहे हो या किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका जो हृदय है वो 72 से 75 ना होकर इससे भी अधिक हो सकता है। तो ये जो है एक सामान्य स्पंदन दर है जो 72 से 75 बार होती है, ठीक है। तो ये स्पंदन स्पंदन दर है, ठीक है, ये स्पंदन दर है 72 से 75 बार यदि आप एक नॉर्मल स्थिति में हो तो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ये स्थित कहाँ होता है, तो ये वक्ष गुहा में कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, ठीक है। हमने क्या जाना अभी तक, हमने जाना मनुष्य का हृदय जो है गुलाबी रंग का शंकुआकार स्पंदनशील, ठीक, और कहाँ स्थित होता है, तो ये स्थित कहाँ होता है, फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, ठीक। इतनी हमने बात जानी, अब हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि अच्छा हृदय का, सब लोग इतना ज्यादा हृदय हृदय करते हैं तो ये कितना बड़ा होता है, इसमें कितना ज्यादा मतलब इसका कितना वेट होता है, तो हम क्या बताएंगे कि अगर कोई वयस्क पुरुष है, कौन है, पुरुष अगर कोई है, मतलब कि कोई अगर पुरुष है, ठीक है, अगर पुरुष है तो 300 से 320 ग्राम, ठीक है, कितना, अगर पुरुष है तो कितना होगा 300 से 320 ग्राम, अगर कोई पुरुष है तो। अगर अब कोई स्त्री है या महिला है, ठीक है, कोई क्या है महिला है, महिला है तो उसका कितना होगा, कितना होगा उसका, तो उसका होगा 225 ग्राम, ठीक है, 225 ग्राम, अर्थात महिलाएं हर चीज में पीछे ना, उनका क्या है, हम लोगों का पुरुषों का हृदय भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक, और महिलाओं का हृदय क्या है, छोटा होता है। तो अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ना तो ऐसा करो वैसा करो, तो कुछ नहीं, बस सबका दिल जो है एक समान होता है, वेट कितना होता है 300 से 320 ग्राम, और महिलाओं का जो हृदय के वेट की अगर हम बात करें तो 225 ग्राम होता है, अर्थात महिलाओं का जो हृदय होता है वो पुरुषों की अपेक्षा कम उसका भार होता है, समझ पा रहे हैं, इसका मतलब महिलाएं क्या है इस मैटर में क्या है पीछे हैं। और हमने इसकी स्पंदन दर बताई 72 टाइम्स, ठीक है, 72 टाइम्स अगर हम बिना कोई क्रियाकलाप करके नॉर्मल स्थिति में हैं तो, और अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब हृदय के बीच, हृदय आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, हृदय के कई, हृदय में क्या होता है, कई सारे लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, तो हृदय के जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में कोई एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम तरल, क्या कहते हैं इसे, हम बोलते हैं पेरिकार्डियम तरल कहते हैं। हमें मालूम है कि हृदय जो है बहुत सारी
लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन लेयरों के बीच में जो है क्या भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियम भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? लेयर के बीचों में पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम तरल भरा हुआ होता है, ठीक। तो अब ये जो है, अच्छा पेरिकार्डियम तरल भरा हुआ होता है, जो कार्य क्या करता है, ये हृदय को बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षित करता है, बचाता है। समझ पाए? अब आगे फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा उन बातों को फिर से रिकैप करते हैं कि अभी तक जो हमने बताया कि जो मनुष्य का जो हृदय है वो क्या है, वो गुलाबी रंग का, ठीक है, एक पेशीय शंकुआकार संरचना होती है, ठीक है, जो स्पंदनशील होता है, ठीक। यह स्थित कहाँ होता है? तो हमने बताया कि ये जो होता है वक्ष गुहा में, फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, ठीक। फिर हमने बताया कि प्रायः पुरुषों का जो हृदय होता है वो कितना होता है, 300 से 320 ग्राम, और महिलाओं का होता है 225 ग्राम होता है। इतनी बात हमने आपको बताई। अब आगे क्या बताना है आपको, सुनिएगा। हृदय का जो अग्र भाग होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। अग्र भाग जो है इसका, ये कौन सा भाग है, अग्र भाग है। तो अग्र भाग कैसा होगा, अग्र भाग, ठीक है, अग्र भाग जो है चौड़ा होगा, चौड़ा, तथा अब ये अग्र भाग चौड़ा, तथा जो पश्च भाग है अर्थात जो नीचे वाला भाग है वो कैसा होगा, नीचे वाला भाग नुकीला, नुकीला, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जो हृदय का जो अग्र भाग है वो चौड़ा होगा, और जो नीचे वाला भाग है वो कैसा होगा, नुकीला होगा। फिर आगे अब जानने की ये बारी है कि हृदय में क्या कोई कोष्ठक होते हैं क्या? तो जी हाँ, हृदय में चार कोष्ठक होते हैं। कितने, कहने का तात्पर्य है कितने कोष्ठक, 4 चैंबर होते हैं। कौन कौन से? तो बेटा इसमें 2 अलिंद होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो 2 अलिंद और 2 निलय, यहां पे देखिएगा, ये है क्या, अलिंद, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो अलिंद कहां पे होता है, ऊपर वाले पार्ट में होता है, मतलब जिसको हमने बताया जो अग्र चौड़ा वाला भाग है उसमें क्या होते हैं, अलिंद होते हैं दोनों, एक बायां और एक दायां अलिंद। फिर उसके बाद नीचे क्या होता है, नीचे इसमें दायां निलय और बायां निलय होता है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि हृदय में कुल मिलाकर 4 चैंबर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। अब इसका जो दायां वाला भाग है इसमें शुद्ध रक्त तथा बायां वाले भाग में अशुद्ध रक्त स्थित होगा, पाया जाएगा। फिर आगे अब हृदय का जो ऊपरी भाग अलिंद तथा निचला भाग क्या होता है, निलय कहलाता है। ये बात आपको क्या हुई, स्पष्ट हो गई। बस थोड़ा सा फिर से एक बार हम इसको रिकैप करेंगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ा विस्तृत चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, क्योंकि इसको एक दिन में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बहुत ही विस्तृत है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि हृदय क्या है। तो बच्चों, हृदय
जो है ये एक बांस का बना हुआ एक टुकड़ा है जो कि कैसा होता है, शंकुआकार होता है, ठीक है। इसके कलर में हम डाउट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि किसी किसी का हृदय काला होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सभी का जो हृदय का जो कलर है वो गुलाबी होता है। और हमने बताया कि इसमें जो है चार चैम्बर होते हैं, दो अलिंद और दो निलय, जो कि त्रिवलिनीय कपाट से दाएं भाग को बांटता है और इधर बाएं भाग द्विवलिनीय कपाट बांटता है। मतलब निलय, अलिंद और का काम जो है ये त्रिवलिनीय कपाट और इधर द्विवलिनीय कपाट करते हैं। और ये अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।